मैं काम खुद करना भी प्रॉब्लम होता है ना, करते ना इस पे भी बैठो, ये भी मैंने ठीक किया है, उठ जाओ। ठीक करने की बात नहीं है तो मेरा है ना, खराब कर दे मैं बैठ जाऊंगा खराब में। मैंने एक वर्डिंग कुछ बोला होगा तुमने, बस एक वर्डिंग की ही बात है ना, एक वर्डिंग ही तुम्हारे दिल पे चुभने वाली हो जाती है ना। ओए रिकॉर्डिंग होता ना, माँ कसम खा ले अपनी, ज्यादा एक्स्ट्रा ना बोलो। ना ना ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। एंड गाइस, आज हम कराने वाले एक्सरसाइज, वो भी अर्शी को, क्योंकि बाहर जाती है ये, बट मेरे को इतना ट्रस्ट नहीं होता यार, पता नहीं क्या करती रहती है। तो मैंने इसको बोला कि 5-10 मिनट इसको मैं कराऊंगा एक्सरसाइज, और उसी बात से हमारी अर्शी कितनी खुश है, देखो कैसे बैठी है, शक्ल देखो, लग रहा है ना कितनी खुश है। चलो कोई बात नहीं, ये खुशी जाहिर बाद में करेंगे जब रिजल्ट आएगा, बट अभी हम इसको कराएंगे एक्सरसाइज, ठीक है। सो चलो आज की वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले 10 मिनट कराना है तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी मेरे को कराना पड़ेगा। डंबल आ चुके हैं और अर्शी भी रेडी है। अर्शी खड़े हो जाओ, आ जाओ, यस डंबल लो। और हमारे पास एक और प्रॉप आ गया, आटा, आटे की थैली, क्योंकि हमारे पास डंबल बस 2-2 किलो के हैं, सो आटे की थैली भी ऐड करेंगे हम, कुछ ना कुछ करके यूज करेंगे इसे। और अर्शी को कराते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। स्क्वाट्स करने इसी के साथ, हैंड स्ट्रेट नीचे, एंड 5-6-7 ऐसा लटकाओ उसको, नीचे ऊपर से पकड़ो, हाँ ऐसे, रेडी, बैक स्ट्रेट। गंदे हो रहेंगे। हाँ तो कभी साफ नहीं करोगे तो गंदा ही होएगा ना, वो साफ करना पड़ता है उसको। रेडी, 5-6-7 एंड स्टार्ट, गो, 1-2 अच्छे से हैंड स्ट्रेट, नीचे पूरा लटकाना हैंड्स को, वेरी गुड वेरी गुड। सो गाइज, अर्शी एक्सरसाइज कर रही है, तब तक मेरे को भूख लग रही है, हम खाने को कुछ करते हैं, क्योंकि मैं खड़ा रह नहीं सकता इतने देर, क्लास लेके आया हूँ, उसको कराऊँ, भूख लग रही है। सो हम साथ साथ में खाना भी खाता हूँ, और साथ साथ में अर्शी को एक्सरसाइज भी कराते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, ये हमारी कल रात की पनीर बची हुई थी और दाल, सो इसको गर्म करते हैं और फिर इसको खाते हैं। क्या बताऊँ यार, ऐसा लगता है जिंदगी ना अकेले जी रहा हूँ, होने के बाद भी ऐसा है कि होना ना होना एक बराबर ही है इसका। क्या मतलब? हर चीज में रिएक्शन आता, बट काम में कभी रिएक्शन नहीं आता इसका। और क्या बोलूं यार मैं, लड़ाई वाली चीज कोई भी होगी ना, हर चीज में रिएक्शन आ जाएगा इसका, कि भाई ये नहीं, ये ऐसे। जब काम की बात आएगी, कोई काम कुछ अब कुछ करना है, तो फिर डबल मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर बैठे रहो घर पे, करना सब कुछ है, सपने सब कुछ है, मेहनत करते समय नहीं है उस चीज का एक वर्डिंग नहीं है, किसी भी चीज का। वीडियो बनाओ, एक वर्डिंग नहीं निकालती, करती नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती, मैं ही लगा हुआ होता हूँ, सुनो चलो वीडियो शूट करते हैं। रोज व्लॉगिंग करना कल्ले बंदे से बहुत मुश्किल है, व्लॉगिंग करना, ठीक है, रोज करना, उसके साथ कुछ ना कुछ लोग चाहिए होते हैं, बात करने वाला चाहिए होता है। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, अब बोल के थोड़ा करवाऊंगा कि सोनू चलो व्लॉग बनाते, वो तो रेगुलर वाला है ना, वो तो बनाओ ना, कुछ नहीं रिएक्शन, ना कोई बात करना, ना कुछ, और बैक कैमरा में फिर फुल पावर अपनी बातों में, मेरे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको, अपनी बातों में ही है। और अभी एक्सरसाइज करने का बोल लो, ऐसे देख रही है, देखना जैसे कि पता नहीं क्या कर लेगी अभी मेरे को। इतना कुछ क्यों सुना रहे हो तुम? ये इसका रिएक्शन है, कही रही तुम्हारी बात करने से रुकी हूं मैं। इसको बस आके, काम से आके मैंने बोला बस बाबा तुम एक्सरसाइज करो, मैं खुद खाना गर्म करूंगा, खुद खा लूंगा, जो भी करूंगा, बट फिर भी इसका रिएक्शन ऐसा, चिल्ला के बोलना ओए ये नहीं कर, वो कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर, अभी ब्लॉग स्टार्ट किया, एक वर्डिंग नहीं निकला, अब लड़ाई वाले में देखो कैसे बोल रही है आगे। बोला अभी, बोला तुमने, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे। मैंने एक वर्डिंग कुछ बोला होगा तुमने, इतना बस एक वर्डिंग की ही बात है ना, एक वर्डिंग ही तुम्हारे दिल पे चुभने वाली हो जाती है ना, तो मैं क्या करूँ, बस ये ऐसा चलता रहेगा पूरी लाइफ ना, ये नहीं होएगा कि बस कोई ना रिजल्ट पाने का, ना कुछ, मेरे हाथ पांव चले जा रहे कि भाई पता नहीं क्या है, पता नहीं कहाँ जाना है, क्या लेके जाना है, कुछ समझ नहीं आता, क्या हो गया। तो भाई चलो खाना खाते हैं अब, बाकी तो ये सब तो चलता रहेगा, एक लाइफ है ना, अब क्या कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं बस, बंदों को फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या करें, मैं तो कल्ला ही खुश हूँ, खुद के लिए करना है, कल्ला करना है, तो इतना नेगेटिव क्यों बनाते हो? बाढ़ में जाए दुनिया। रीजन भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि मतलब किस किस चीज में रीजन में होता है, जैसे अभी हम घूमने गए थे, अब वहां पे इसको ये दिक्कत था कि अगर ये जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, अगर वो जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, वो भी मेरे फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त, और ये कह रही है कि अगर वो जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। भाई तुम अपने पति के साथ जा रहे हो, है ना, अपने पति और अपना देखो ना, तुम किसी और के कपल का तुम कह रहे हो वो जाएगी या वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी, या वो ऐसा होएगा तो मैं नहीं जाऊंगी, इसका रीजन मुझे पता नहीं है क्या, ये चीज है। और दूसरी बात, घर पे कोई भी बात हो जाती है ना, कोई भी बात, इसका रिएक्शन यूं आता है कि भाई ये कर लो, मैंने नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, जैसे कि पता नहीं क्या एहसान कर रही हो, हमें भाई सब आता है, खाना बनाना भी आता है,
सब कुछ आता है, बट इसका रिएक्शन नहीं पसंद मेरे को। मैं पूरी जिंदगी खुद ही काम करके, खुद ही खाना खुना बनाना, बाहर का करना, बैठ के कर सकता हूँ मैं सारा कुछ, ठीक है। बट इनका जो रिएक्शन आता है ना, रीजन बताना क्या है, ये इसका रिएक्शन ये होता है, ठीक है, हर चीज में। बस यही है यार, क्या बोलूं, ये रीजन है हर चीज में ना, गलत नेगेटिव रिएक्शन, हर चीज को यूं छोड़ देने वाला। कहीं पे कोई बात हुई ना, किसी से एक भी बात अनबन होगी ना, इसका ऐसी वाली बात होगी पूरा तोड़ देना, खत्म। थोड़ी सी बात हुई, बात ही नहीं करना उससे, खत्म, लिंक ही खत्म, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे वाला सीन है। तो उसको ये हजम नहीं करेगी, चल छोड़ या बात क्लियर करे ना, कट ऑफ। ऐसे नहीं चलता भाई जिंदगी, ऐसे बहुत चीजें छूटती है फिर। ये देखो सैम भैया भी आ गए, और आते ही ये फोन में लग जाते हैं, इनका भी यही काम है, कुछ ना एक्सरसाइज करना, ना कुछ खाना ब्रेकफास्ट, जूते भी नहीं उतारे हैं, बनाना और ऐसे ही बैठ गए। और उसने यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी, वो भी छोड़ के भाग गई है, काम दिखा रही है अब कि हाँ भाई काम कर रही हूँ मैं, बर्तन धो रही है, जो बर्तन की अभी मैंने दोबारा गंदे करके, दोबारा मैंने इसको दोबारा धोने, क्योंकि इसके धोए हुए मुझे नहीं, खुद धो लूंगा अब मैं। जब ताने मारने हैं कि मैंने धोए, मैंने ये किया, तो हमें आता है भाई, हम धो सकते हैं खुद। हाँ बोलो, क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या हो रही? कुछ नहीं, क्या हुआ? नहीं पता, प्रॉब्लम है कोई मुझसे? नहीं नहीं, मैं काम खुद करना भी प्रॉब्लम होता है ना, करते ना इस पे भी बैठो, ये भी मैंने ठीक किया, उठ जाओ। ठीक करने की बात नहीं है, तो मेरा है ना, खराब कर दे मैं बैठ जाऊंगा, खराब में भी मैं बैठ जाऊंगा। धोया मैं, ये कपड़े उतार दो, ये मैंने धोए, उतारो मैंने धोए, गंदे कपड़े खुद धो दो फिर पहन लेना। ठीक है ठीक है, चलो फिर, ठीक है यार, तू दिमाग मत खराब कर, ठीक है, जा जा जा, ड्रामे ना कर, हाँ तो तुम सब कुछ छोड़ दो, ठीक है ठीक है, सब कुछ, हाँ ठीक है ठीक है, अरे जा यार, तू मुंह बंद कर, मैंने खुद करके रखा, हाँ मत बोल, तू फालतू मत बोल, हाँ ठीक है, तूने भर दिया वो तेरा हो गया, जिसको तूने हाथ लगाया वो तेरा हो गया, तू यहाँ की महान प्रधान बनी हुई है ना, मेरा किया हुआ नहीं यार, तू जा ना, क्यों फालतू में बोल रही है, जा तू अपना काम कर यार, जो करना है, यहाँ ड्रामे ना कर, आके यहाँ पे फालतू बकवास ना कर। क्या देख रहे हो आप ऐसे, तुम मेरे से प्रैंक तो नहीं कर रहे? हर चीज प्रैंक में ही होता है क्या? प्रैंक वीडियो तो नहीं है रियल लाइफ में, पता नहीं आपको कि ये क्या हरकत है इसकी? सुबह क्लास लेने गया था, क्या इन्होंने गाइस ये प्रैंक कर रहे हैं यार, मुझे लग रहा है यही है ना, यही बात है, जिंदगी प्रैंक हो रखी है तो फिर प्रैंक ही लगेगा ना, सबको पता है कि भाई हरकतें ऐसी है इनकी। क्या हरकत है मेरी यार? बकवास ना मार यार, तू यार यही क्यों खड़ी है बार बार, अंदर चली जाना, मैं तेरे को कुछ बोल रहा हूँ क्या? आपस में बात भी ना करे क्या अब? मैं जा रही हूं। ये बोलती है कि भाई एहसान कर रही है ये, क्या एहसान कर, काम करके। तूने अभी क्या बोला, बोलूं मैं भैया को? क्या बोला था जब भैया का फोन आया था, क्या बोला था तूने, खुद बता देना फिर। मैंने ये बोला था कि मम्मी को बुला लो, मेरी हेल्प हो जाएगी, ये बोला मैंने। नहीं, इसने पता क्या बोला, सुनो मैं बोलता हूँ, आपका फोन आया, आपने बोला कि भाई कि कुछ बना के रखियो, मैं अपना बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ खुद, है ना, और पीछे से यहाँ से एक्सरसाइज कर रही है, सुन लिया इसने, यहाँ से चिल्ला रही, इनको बोलो कि मम्मी को ले आए, मैंने नहीं करना, ओए ओए, रिकॉर्डिंग होता ना, माँ कसम खा ले अपनी, ना ना ना, तूने बोला मम्मी को बुला लो, मम्मी को बुला लो, कुछ भी बात होती है ना, हर चीज में ना, हर चीज में ना, हर चीज में ना, भाई यही है मेरी भी रियलिटी, ये जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ 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 ठीक है, हूँ मैं भाई, मैं हूँ गाइज, मैं बहुत गलत हूँ, बहुत हटके हूँ, बहुत जो भी सोचना है सोच सकते हो आप, ठीक है, वो मैं हूँ, ठीक है, और कुछ बता, और कुछ भी बोलना है बोल देना, वेट कर रहा हूँ, फिर मैं व्लॉग खत्म करूँ। तुम्हारी लड़ाई कहाँ से हुई है वैसे? जब मैं गया था तुम तो एकदम पूरा हक करके लेटे हुए थे, बिल्कुल प्यार से, हम सो रहे थे ना, फिर मैं आराम से, आपका फोन आया तभी से स्टार्ट हो गया, एक घंटे में, मैं ये कह रहा था उस टाइम इसको कि भाई मैं तेरे को जब एक्सरसाइज करने को बोल रहा हूँ या कुछ कुछ करने की चीज बोल रहा हूँ, अब उसमें मेरी बात सुनो, इसको था थकी हुई थी, इसने मेरे को बोला, मैंने तेरे को क्या बोला उसके बाद, क्या बोला तुमने उसके? क्या बोला मैंने आगे से? हाँ तो बस ये कर दियो, ये कर दियो बस, तो खत्म ना, मैंने बोला था ना कि मत करियो, जो पड़ा हुआ है नहीं, बस नहीं, उसी को कर लेंगे, हाँ, हम वही करा ना तुमने, वही बोला ना मैंने, वही बोला था ना मैंने, ये तो मेरी तरफ से जो वर्डिंग आ रही थी वो क्या आ रही थी, ऐसे करके हो जाएगा, मैंने ये तो नहीं बोला था तू बना कुछ कर, क्या बना देना बता ना, ये दाल तो तड़का लगा देना, दाल वहाँ बना हुआ था, अंदर था ना, प्याज पूरी सारा तूने किया हुआ था, बस उसको वो ही करना था, उसके लिए बर्तन भी चाहिए होते हैं, झोई क्या हुआ था, झोई झोई करने के बर्तन ही चाहिए होते, क्या हाथ में कर दे झोई, क्या पूरे बर्तन में करने पड़ते क्या, एक ना वो भी मेरे को धो दे बोलती, वो भी मैं धो देता, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये मत बोल के मैंने आगे से बोला तेरे को फिर तूने किया, शेक पी के आया हुआ था मैं घर पे, नूडल्स लेके आ गया था, चावल मैंने पूछ लिया था तेरे से पड़े हुए हैं, वो भैया खा लेंगे बोल दिया था मैंने, दाल पड़ी हुई थी वो भी मैंने बोल दिया था कि हाँ उसी को जान लेंगे वो खा लेंगे हम, मत करियो तू काम कुछ, बोला था, अब बता अब आगे क्या बोलेगी इस बारे में, उन्हीं लोगों की है गुड्डू,
हर चीज में कोई ना कोई तेरे में ऐसे किचक आता है ना, तो बस कुछ और ही होने लग जाती है फिर। अभी आपने बोला खाना, फिर ये किचकिच करने लगी थी, तो मैं हम बाहर की क्या बात करें। तो बाहर वालों का हम क्या क्या सोचे बताओ, मैंने क्या गलत बोला? मैं मेरे साथ ऐसे कर रही है ये, तो बाहर वालों का क्या बोले? मैंने गलत क्या बोला? तुम मुझे गलत चीज मैंने क्या बोली? गलत चीज नहीं बोली, बट तेरा रिएक्शन गलत आता है ना, गलत बोलना ही पड़ता है क्या? अगर किसी ने कुछ बोल दिया और तूने मुंह ऐसे सड़ा लिया कि ऐसे करके, वो भी गलत ही होता है भाई। अच्छा हाँ, रिएक्शन भी गलत होता है, और तू करती है कुछ भी हो जाए, हर चीज में, हर चीज भाई। मैं तो गलत हूँ ना, तू मत हो ना, तेरा तो ऐसे सबके आंखों में बना रखा है ना सितारा, तारों का तारा, तो तू मत गलत हो, हमें होने दे, सही रहे बस। तू है ना, बना दिया तेरे को, हमारी अर्शी ऐसी, हमारी अर्शी वैसी, और अंदर अंदर किसी का फर्क नहीं। 10 बंदों के सामने थप्पड़ मार दो, कुछ भी बोल दो। थप्पड़ मारा? रहने दे यार, चलो गाइस, तुमने खुद डाला ना वो वाला। आज का व्लॉग इतने ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाकी यार इसका तो मेरे को तो क्या बोलूं इसके बारे में।